सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो आज हम कार कवर करने वाले हैं, इट्स Hyundai Verna। 2020 में जो वरना का फेसलिफ्ट वर्जन आया था उसके ऊपर है आज वीडियो। ये SX ऑप्शनल मॉडल है, टॉप एंड वेरिएंट जो आता है। जो कार का कलर है इट्स अ ब्लैक कलर। जो ओवरऑल इसकी लुक आती है कार की, ब्लैक कलर में बहुत ही अपीलिंग होती है। तो चलिए कार को देखते हैं। सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार। दिस कार कम्स विद 5 कलर ऑप्शंस। दिस इज ए फैंटम ब्लैक कलर। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस फर्स्ट। दिस कार हैज ए लेंथ ऑफ 4440 मिलीमीटर्स, विड्थ इज 1729 मिलीमीटर्स, हाइट इज 1475 मिलीमीटर्स एंड द व्हील बेस ऑफ कार इज 2600 मिलीमीटर्स। द टर्निंग रेडियस ऑफ कार इज 5.2 मीटर। Fuel tank capacity of Verna is 45 liters. Boot space is 480 liters. Gross weight of car is around 1600 kg. So now let's talk about the safety features that we get in top end variant SX optional. We will get 6 airbags, ABS with EBD, rear parking sensor, impact sensing auto door unlock, speed sensing auto door lock, front seat belt reminder, speed alert system, immobilizer, emergency stop signal, rear camera with dynamic guidelines, front projected fog lamps, electrochromic mirror, automatic headlamps, smart keyless entry, rear defogger with timer, electronic stabilization control, vehicle stabilization management, hill assist, tire pressure monitoring system. Here is Hyundai Verna on-road pricing of all variants. So now let's check out the exterior look. This black color suits on Hyundai Verna. This is the front look. In front you will get full LED setup with DRLs. The look of these DRLs are very classic. And here are the indicators which are halogen bulbs. And you will get projected fog lamps with halogen bulb. This is a chrome grille with integrated Hyundai logo. And niche bhi black color ki grille hai which has been covered by chrome grille. Let's move towards the side profile. The ground clearance is 165 mm. These are 16 inch diamond cut alloy wheels. Now the car is still, so iski look thodi si simple lagti hai, but the running look of alloys are very appealing. You will get the side indicators integrated in ORVM. These ORVM are not auto folding. यहाँ पे क्रोम बीडिंग का यूज किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर टू द रियर डोर। देन वी हैव ऑल 4 क्रोम डोर हैंडल्स एंड रिको सेंसर इज ओनली प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइवर साइड। सो हियर कम्स द सनरूफ। दिस इज बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल, एट लेफ्ट साइड यू विल गेट द बैजिंग ऑफ वर्ना। हियर इज Hyundai लोगो एंड इट इज द SX variant. You will get rear defogger and it is the look of rear tail lights. It is also a whole LED setup with halogen indicators and number plate light is also a yellow halogen bulb. So these are the 4 rear parking sensors. The rear parking camera is just placed below the Hyundai logo. दिस इज़ द की ऑफ न्यू वर्ना 2021। इसमें आपको 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड दिस इज़ फॉर सायरन। सो नाउ लेट्स अनलॉक द कार एंड चेक आउट द इंटीरियर। यहाँ पे ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। सो हियर इज़ द डोर पैनल, ब्लैक एंड बेज कलर में। तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज, लॉक अनलॉक। Then these are the controls for ORVM.
दीज आर द ट्विटर्स एंड नीचे स्पीकर्स हैं। इस कार में 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 1 बोतल होल्डर एंड कुछ मैगजीन स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर का यूज़ किया गया है। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। द ड्राइवर सीट इज 6-way मैनुअली एडजस्टेबल। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ कार लुक्स लाइक। ऐसे सेम एसी वेंट्स हमें क्रेटा में भी ऑफर होते हैं विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर इंसर्ट्स। सो हियर इज अट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, दिस इज इल्यूमिनेशन कंट्रोल एंड दिस इज हेडलाइट लेवलर। तो ये है हुंडई वर्ना का स्टेयरिंग व्हील जो कि हुंडई काफ़ी कार्स में यूज़ करती आ रही है। सो हेयर इज़ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल इंडिकेशन मिलती है एंड राइट साइड पे कूलेंट इंडिकेशन। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें MID में अवेलेबल है। 12.6 की एवरेज दिखा रहा है अभी। सो ये कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे एंड ये टायर मॉनिटरिंग प्रेशर, इसमें टायर का प्रेशर बता रहा है। जो लेफ्ट साइड पे आपको स्टेयरिंग में कंट्रोल्स मिलते हैं दीज आर फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड राइट साइड के कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो MID से रिलेटेड है, अदर्स आर फॉर क्रूज कंट्रोल। तो ये हैं हेडलाइट के कंट्रोल। ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं इसमें एंड इसको ऑन या ऑफ करने की इंफॉर्मेशन आपको MID पे भी विजिबल होती है। ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और वर्ना के किसी भी वेरिएंट में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते। सो ह्युंडई हैज़ प्रोवाइडेड ऑटो डिमिंग IRVM, ये सनग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप्स इसमें दोनों हेलोजन है एंड ये है कार की सनरूफ। थोड़ी छोटी है सनरूफ, 1-touch open and 1-touch close फीचर के साथ आती है एंड इसका जो शेड है ये आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये है 8 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब फीचर्स मिल जाते हैं एंड ये AC कंट्रोल्स जिसमें रियर डीफॉगर एंड फ्रंट डीफॉगर भी मिलता है। इस कार में आपको फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। जो ये वेंटिलेटेड सीट वाला फीचर है इट इज़ वेरी यूजफुल इन समर्स। यहाँ पे नीचे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट सॉकेट मिल जाएगा, एक USB पोर्ट एंड ये वायरलेस चार्जर जो कि डिटैचेबल है। पेट्रोल में भी हमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स मिलता है एंड ये है 2 cup holders की स्पेस विद सिल्वर इंसर्ट्स। ये है हैंड ब्रेक एंड हेयर कम्स द आर्म रेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, इसके अंदर भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। सो कार का ग्लो बॉक्स भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी सफिशेंट स्पेस है एंड ये एयर कूल ग्लो बॉक्स है। को पैसेंजर साइड का डोर भी आपको सेम ऐसा ही मिलता है एंड अब इसकी साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब मैं एक NCS का सॉन्ग चलाऊंगा। अगर आप कोई पंजाबी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जाके मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर बेटर साउंड क्वालिटी यूज ईयरफोन। Chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अब रेयर सीटिंग भी देख लेते हैं। रेयर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 cup holders
एंड पीछे भी दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड ह्युंडई ने इसमें रेयर मैनुअल सनशेड प्रोवाइड किया है। रियर के डोर्स भी सेम फ्रंट जैसे हैं, इसमें भी सॉफ्ट टच लेदर का यूज़ किया है एंड ऊपर हार्ड प्लास्टिक है। डोर हैंडल्स में सिल्वर कलर का यूज़ है। रियर में 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड नीचे एक चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया है। सो कुछ ऐसा दिखता है कार का इंटीरियर रियर सीटिंग से। तो अब इस कार की बूट स्पेस देख लेते हैं। इसमें आपको 480 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। मैं आपको इसका स्पेयर व्हील चेक करवाना भूल गया था, बट इसमें आपको 15 इंचेस का रिम मिलेगा। सो नाउ लेट्स सी द इंजन ऑफ कार एंड इसके बाद एक छोटी सी ड्राइव पे चलेंगे। ये कार का पेट्रोल इंजन है 1500 सीसी का, जो कि 113 bhp की पावर निकालता है एंड 144 Nm का टॉर्क है। एंड अगर इसकी एवरेज की बात करें तो कंपनी 17.7 kmpl की क्लेम करती है। एंड इसी का जो डीजल इंजन है वो भी 1500 सीसी का है, सेम पावर 113 bhp एंड 250 Nm टॉर्क। इसकी जो कंपनी एवरेज क्लेम करती है डेट इज 25 kmpl। सो नाउ लेट्स ड्राइव द कार। अब आपको कार चला के इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ध्यान रखें कार चलाते टाइम सीट बेल्ट डालना ना भूलें। ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है इंजन। अंदर बिल्कुल भी नॉइज नहीं है कैबिन में इंजन की। सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, थोड़ा सा थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम है, अदरवाइज लेग रूम जो है वो तो बिल्कुल सही है। एंड रियर पैसेंजर्स के लिए भी लेग रूम में स्पेस अच्छी मिल जाती है। ये पेट्रोल इंजन है तो इसकी एवरेज अराउंड लोकल 13-14 के अराउंड मिल जाएगी एंड हाईवे पे 16-18 के आसपास। जो इसका MID है 12.6 शो कर रहा है वैसे। तो अब कार को थोड़ा पिक करके देख लेते हैं इंजन परफॉर्मेंस कैसी है एंड आफ्टर दैट ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। पिकअप बहुत अच्छी है, वरना कि मेन इंजन जो है बहुत पावरफुल है इस कार का। अराउंड 80 हम टच कर गए हैं, ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। कार ने अपनी लेन बिल्कुल नहीं छोड़ी एंड सेकंड इज जो इसके टायर्स थे वो लॉक नहीं हुए, स्किड नहीं करे। ABS बहुत अच्छा है कार के अंदर। अगर आपको इस कार के डीजल इंजन का भी रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो यस फ्रेंड्स, तो ये था Hyundai Verna 2020 facelift का रिव्यू। आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रिव्यू कैसा लगा एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट ए बिग थम्स अप एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट्स।